आज मैं आपके लिए पाइल्स, फेस्टुला और फिशर ऐसी तीनों बीमारियों के लिए एक बहुत ही बेस्ट सी क्रीम लेके आई हूँ। स्पेशली जो पाइल्स के मसे होते हैं उनके लिए ये क्रीम है, बहुत इफ़ेक्टिव क्रीम है। इससे मसों में होने वाली हर तरह की परेशानी से आपको बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी। बस इसे एक सही रेशियो में बनाना है, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिए और आप इसे बनाना परफेक्टली सीख लीजिए कि इसे किस तरह से बनाना है। आप इसे बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये क्रीम किस तरह से बनेगी। ये बहुत इफ़ेक्टिव क्रीम है। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बगल में बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन, इसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये इफ़ेक्टिव क्रीम किन इंग्रेडिएंट के साथ बनी है। तो इसके लिए लेना है आपको कपूर। तो देखिए हम कपूर लिए हैं, ये पूजा वाला ही सिंपल कपूर है। तो आप जो भी कपूर आपको अवेलेबल हो जाए, यानी जो कपूर आप पूजा में यूज़ करते हैं, इस कपूर को भी इस रेमेडी में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये ब्रिक्स वाली कपूर है, तो हम इस तरह, ये कपूर हमारे पास था तो इसी से हम बना रहे हैं। अगर आपको टैबलेट वाली कपूर भी मिलती है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले कपूर को हमें बिल्कुल पाउडर फॉर्म में चेंज कर लेना है, क्योंकि इस रेमेडी में एक रेशियो है 1:8 का रेशियो में हमें ये मेडिसिन बना के तैयार करनी है। तो हम एक मात्रा में कपूर का पाउडर लेंगे और उसकी जो 8 गुना मात्रा है वो है कैस्टर ऑयल। तभी हम आपको बताएंगे कि कैसे 8 गुना हमें मेज़र करना है। तो सबसे पहले कपूर को इस तरह से पीस के हम इसका पाउडर बना लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से स्पून से हम दबा के कर रहे हैं। आप जैसे भी इसका पाउडर बना पाइए, आप बस सबसे पहले आप कपूर का पाउडर बना के तैयार कर लीजिए। तो कपूर का पाउडर बनने के बाद हम इसमें यूज़ करेंगे कैस्टर ऑयल। तो देखिए हम जो स्पून से इसको तोड़ रहे हैं, इसी स्पून से ही हम मेज़र करेंगे। तो देखिए 1 रेशियो हमें रखना है कपूर के पाउडर का। तो यहाँ पे देखिए हम स्पून से मेज़र करके डाल रहे हैं, तो यहाँ पे 1/2 स्पून के करीब हम ये ले रहे हैं कपूर का पाउडर। तो देखिए इसे हम नाप के ले रहे हैं 1/2 चम्मच कपूर पाउडर। तो देखिए अगर हमने 1/2 चम्मच कपूर पाउडर लिया है तो इसका 8 गुना हमें लेना है कैस्टर ऑयल, यानी अरंडी का तेल। इसे अंडी का तेल भी नाम से जाना जाता है। कैस्टर ऑयल आपको मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाएगा, किसी भी आयुर्वेदिक की दुकान पे या फिर आप मेडिकल स्टोर से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप बोलेंगे तो हम आपको ऑनलाइन इसका लिंक भी आपको अवेलेबल करा देंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे नोट डाउन कर सकते हैं, आप उससे मंगवा सकते हैं बहुत आसानी से। तो देखिए कपूर का पाउडर हमने ले लिया 1/2 चम्मच। अब ये देखिए कैस्टर ऑयल, इसी तरह से कैस्टर ऑयल आता है, ये हम मेडिसिन के शॉप से इसको मंगवाए हैं, ये दवा की दुकान पे भी मिल जाती है। देखिए 50 ml का है, 45 रुपीज़ इसमें प्राइस है। तो ये 45 रुपीज़ का ये कैस्टर ऑयल 50 ml का है। तो आप इस तरह से मंगा के, अगर आप 1 शीशे मंगा लेते हैं तो आप इसे बहुत दिन तक इसे बना के यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी रेमेडीज़ में यूज़ की जाती है, और कॉन्स्टिपेशन यानी पाइल, फिशर, फेस्टुला के लिए तो ये कैस्टर ऑयल अपने घर में रखना ही चाहिए, क्योंकि हमने आपको इसकी रेमेडी भी दी है कि कॉन्स्टिपेशन कैसे दूर करते हैं। तो देखिए 1/2 चम्मच हमने लिया कपूर का और इसका 8 गुना, यानी 8 गुना अगर हम 1/2 चम्मच का करेंगे तो 4 चम्मच आता है। तो देखिए इस तरह से 4 चम्मच हम इसी चम्मच से, यानी जो भी आप मेज़रमेंट लीजिएगा एक ही चीज़ से, जब जिस चम्मच से नापें उसी चम्मच से आप कैस्टर ऑयल 8 गुना लेंगे। तो इस रेमेडी में यही है कि 1:1 में हम लेंगे कपूर का पाउडर, उसका 8 गुना हमें लेना है अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल। इन दोनों को लेके इसे अच्छे से मिक्स करके हमें इसका बनाना है मलहम। तो इसका मलहम कैसे बनेगा ये पूरा ध्यान से आप देख लीजिए। ये कपूर इस तरह से डिसॉल्व अच्छे से नहीं होता है ऑयल में, तो हमें इसको इस तरह से मिक्स करने के बाद इसे हमें पकाना है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, माइक्रोवेव अगर आपके पास है तो आप उसे कुछ सेकंडों के लिए माइक्रोवेव कर सकते हैं, जिससे कपूर जो है ऑयल में बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, बिल्कुल ऑयल हमारा सिर्फ दिखाई दे। तो इसे हम इसे कुक करेंगे। आप इसे गैस पर एकदम लो फ्लेम पर रख के पकाइए, या फिर आप जिस भी चूल्हे पर बनाते हैं उस चूल्हे पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या माइक्रोवेव है तो आप उसे कुछ सेकंडों के लिए करिए। देखिए इस तरह से हमने इसको इंडक्शन पर रख दिया है। अब आँच को बिल्कुल लो पे करके इसे धीरे धीरे इस तरह चलाते हुए जो कपूर है इस तेल के अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है। आपको अभी दिखेगा कि कपूर के एक भी पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे।
तो इसे धीरे धीरे इस तरह से आप पका लेंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। कुछ लोग कहते हैं वीडियो लंबी हो जाती है, लंबी हम नहीं करते हैं, बस हम आप चाहते हैं कि आपको हम जो रेमेडी दे रहे हैं, जो चीज़ सिखा रहे हो, आप अच्छी तरीके से देखिए। इतना बताने के बाद भी कुछ लोग नहीं समझ पाते, दोबारा से क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए मैं आपको ब्रीफली बताना चाहती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप रेमेडी सही तरीके से बनाएं और सही तरीके से यूज़ करें। तो देखिए किस तरह से पक रहा है, आप देख रहे हैं इसमें धीरे धीरे जो कपूर के पार्टिकल्स थे वो अभी धीरे धीरे देखेंगे बिल्कुल गायब हो जाएगा, ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तभी ये हमारा जो मेडिसिन बन रहा है बहुत इफ़ेक्टिव होगा। ये मसलों को दूर करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव सी ये क्रीम है। हमने कई व्यूअर्स को जो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, हमने उनको इस तरह से नोट डाउन करके कमेंट्स में बताया भी है इस रेमेडी को, लेकिन इसकी वीडियो मैं इसलिए ले आई हूँ कि बहुत इफ़ेक्टिव क्रीम है, जिन्होंने यूज़ किया उनको बहुत इसका इफ़ेक्ट मिला है, तो आपको भी इसका इफ़ेक्ट मिल सके इसलिए इसका मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो ये देखिए बहुत ही, आप देख रहे हैं किस तरह से पार्टिकल्स इसके गल रहे हैं। तो जब आप इसे हीट करेंगे तो आपको इसी तरह से ट्रांसपेरेंट होता हुआ ऑयल दिखेगा और ये कपूर के जो पार्ट्स हैं पूरे अच्छे से गल जाएंगे। बस इतना हमें तब तक पकाना है कि ये कपूर के आपको टुकड़े दिखाई ना दें, यानी इसके जो पार्ट्स हैं वो दिखाई ना दें। फिर अभी हम आपको बताते हैं कि क्रीम कैसे गाढ़े पेस्ट्री बनके तैयार होगा। बस इसी तरह से चलाते रहेंगे। अगर आपका हीट जो है आप गैस पे रख रहे हैं किसी चीज़ पे ज़्यादा है, तो आप इसे उतार उतार के इसको इस तरह से चेंज कर करके इसको आप रखेंगे, यानी उतार दीजिए फिर से इसको रख दीजिए, फिर से उतार दीजिए फिर से रख दीजिए। और अगर इस तरह से आप धीमी आंच पे धीरे धीरे आप इसे पकाएंगे तो बहुत बढ़िया सा ये तैयार हो जाएगा हमारा मेडिसिन। या देखिए किस तरह से धुएं आने लगे हैं, इसका धुआं भी बहुत इफ़ेक्टिव है। धुएं से अगर आप सिकाई करेंगे तो भी मस्से और ये जो घाव होते हैं बवासीर फिशर के, ये भी उस पर भी बहुत इफ़ेक्ट करता है इसका धुआँ। तो आप इसका धुआँ भी ले सकते हैं इफ़ेक्ट के लिए, बहुत बढ़िया इफ़ेक्ट करता है इसका धुआँ। तो ये देखिए आप देख रहे हैं कि इसमें कपूर के पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम क्या करें, अभी ये बहुत गर्म है तो हमें इसे क्रीम अभी नहीं बनानी है। तो ये देखिए हमने आपको बता रहे हैं कि धुएं को कितना इफ़ेक्टिव है। आप धुआं लेंगे तो इससे भी इसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा ना, वो घाव बहुत जल्दी सुखाएगा, यानी मसलों को सुखाने में बहुत इसका इफ़ेक्ट होता है धुएं का भी। तो अब हम इसे रख देते हैं प्रॉपरली ठंडा हो जाए, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तभी हम इसके आगे की क्रीम बना सकते हैं। तो ये ठंडा हो जाए फिर हम आपको दिखाते हैं कि देखिएगा आप इसका टेक्सचर कितना गाढ़ा होने लगता है और बिल्कुल क्रीम फॉर्म में बनने लगता है। तो ये देखिए ठंडा हो गया प्रॉपरली, आप देख रहे हैं कटोरी को हम आसानी से छू ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठंडा हो गया। देखिए कैसे क्रीम पे कितना थिकनेस बढ़ गया है। तो अब हम इसको चला के अच्छे से फेंट देना है। देखिए ऐसे फेंटेंगे कि बिल्कुल क्रीम के जैसा ये बनने लगे। देखिए अब चला रहे हैं तो कैसे क्रीम के जैसा बन रहा है। बस ये हमारी मेडिसिन बिल्कुल बनके तैयार हो गई। आपको करना क्या है, अगर आप पाइल्स के पेशेंट हैं, आपको मस्से से बहुत परेशान है, खुजलाहट होती है, जलन होती है, दर्द है, या इसमें से ब्लड भी आता है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो इफ़ेक्टिव एरिया को आप क्लीन करिए। क्लीन कैसे करना, हल्का गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच यही कैस्टर ऑयल डाल के उसे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से सिकाई कर लीजिए, फिर उसे ड्राई करके उसके बाद ये क्रीम आप लीजिए इस तरह से फिंगर पे, और जितना भी इफ़ेक्टिव एरिया है जहाँ तक पॉसिबल हो सके वहाँ तक आप इस तरह से इसका एक लेयर लगा दीजिए, और इसे लगा के 1-2 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस क्रीम को आप फेस में भी लगा सकते हैं, इतना इफ़ेक्टिव है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको हमने प्रैक्टिकली ट्राई करके हाथ के स्किन पे लगा के देखा है, कोई भी इसमें ना तो इचिंग होती है ना कोई भी इसका इफ़ेक्ट है, तो इसका कोई भी बैड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा स्किन पे। तो आप इसे बिना डरे हुए लगा सकते हैं, 1-2 घंटे के लिए आप छोड़ सकते हैं, और दिन में कम से कम 3-4 बार इसे लगाइए। ये ऑयल कपूर और ये कैस्टर ऑयल है, इसे बालों में भी लगाया जाता है, बालों के झड़ने पे ये भी लगाया जाता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव सा ये मेडिसिन है। तो ये डैंड्रफ को भी दूर करता है, इसलिए आप ये बिल्कुल मत डरिए कि मसलों पे इसका कोई बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये सिर्फ मसलों के घावों को, उसमें जो खुजली होती है, उसमें जो दर्द है, जलन है, उसको ये दूर करेगा। ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है, आप इसे एक बार बना के ट्राई करके देखिए। इसे दिन में कम से कम 3-4 बार आप ज़रूर लगाइएगा, और हर बार जब भी लगाइए अच्छे से वॉश करके क्लीन करके सुखा के तभी ये क्रीम को अप्लाई करिए। अब दिन में 3-4 बार इसे अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर आपके जो मस्से की प्रॉब्लम होती है वो सारी मसलों की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, उसमें जलन, खुजलाहट, दर्द ऐसी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाएगी। और साथ साथ जो फिशर और फेस्टुला के पेशेंट हैं उन्हें हमने बताया है कि सिजवात कैसे करते हैं। आपके लिए फिशर में मैंने एक वीडियो अपलोड की है, तो सिजवास कैसे करते हैं, गुनगुने पानी में आप इस तरह से कैस्टर ऑयल 2 चम्मच डाल के 15-20 मिनट उसमें बैठ के उसकी अच्छे से सिकाई करिए, और फिर अच्छे
से ड्राई करने के बाद आप यही क्रीम, ये जो मलहम बनने बनाया है, इसी को उस पर लगा के घंटे दो घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ये घावों को सुखाने का भी काम करता है, क्योंकि जो कपूर है ये एंटीबायोटिक होता है, एंटीसेप्टिक होता है, एंटीपायरेटिक होता है, ये एंटीफंगल भी है, तो घावों को भी सुखाने का काम करता है, स्किन को रिपेयर करने का काम करता है, इसलिए फेस्टुला और फिशर में भी ये इफ़ेक्टिव क्रीम है। तो आप इन दोनों में भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले गुनगुने पानी में कैस्टर ऑयल डाल के अच्छे से सिकाई करिए 15 से 20 मिनट, और दिन में 3 से 4 बार जब भी अप्लाई करिए तब भी सिकाई करिए, उसके बाद इस क्रीम को अप्लाई करिए, फिर आप देखेंगे फिशर फेस्टुला की बीमारी भी इससे ठीक हो जाएगी। लेकिन ये एक्सटर्नल बीमारी ठीक होगी, आपकी इंटरनल बीमारी इससे नहीं ठीक होगी। इंटरनल बीमारी को ठीक करने के लिए हमने कई सारी इफ़ेक्टिव से रेमेडीज़ आपको दी है, कई सारे उपाय बताए हैं आपको, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए बहुत सारी इफ़ेक्टिव सी वीडियो आपके लिए हमने अपलोड किया है। इस समय आपके लिए बहुत ही हेल्दी हेल्दी रेसिपीज़ भी ला रही हूँ, जो पाइल्स फिस्टुला फिशर के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। आप उन सारे फूड को खाइए, आपके लिए हेल्दी होगा, उसमें रिच फाइबर्स हैं जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होगी, और कॉन्स्टिपेशन को प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव ये कैस्टर ऑयल है। आप डेली रात को गुनगुना दूध ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल को मिला लीजिए, और आप डेली पीना शुरू करिए। आप अभी से पीना शुरू करेंगे रात में, तो आप देखेंगे 1 हफ्ते में आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और आपके जो मस्से हैं, घाव हैं, वो भी पूरे बाहर से ठीक होने लगेंगे, अंदर से कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी। जो कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा क्या, तो आपकी बीमारी अपने आप धीरे धीरे जड़ से ख़त्म हो जाएगी, और जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको अपनी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, खाने पीने का बहुत ध्यान देना होगा, जिससे आपकी बीमारी पूरी तरह से 100% ठीक हो जाए। और साथ साथ आप त्रिफला चूर्ण लेना शुरू करिए, तीनों बीमारियों के लिए पाइल्स है, फेस्टुला है, फिशर है। अगर आप त्रिफला चूर्ण आज से खाना शुरू कर देंगे, जैसे मैंने बताया है रात के टाइम पे, आप ये जब रेमेडी लास्ट में आप इसको पीजिए सोते समय, दूध में कैस्टर ऑयल डाल के उसके पहले आप त्रिफला चूर्ण खाना शुरू करिए, जिससे आपके अंदर से जितने भी घाव बीमारी हैं ये सारे आपके बिल्कुल दूर हो जाएं। तो त्रिफला चूर्ण बहुत इफ़ेक्टिव है, आप उसे ज़रूर यूज़ करिएगा। और आपके लिए हमने एक पूरी लिस्ट दे रखी है प्लेलिस्ट, उसे आप ज़रूर देखिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।